A very sweet morning to all of you. It is your GK class. Today we are going to discuss chapter 29. Chapter name is Rides. Now let's start the chapter. Amusement park have different types of rides. Amusement park means Manoranjan park. में विभिन्न प्रकार की राइड्स मीन सवारी होती है. दे गिव्स अस अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ टाइम. ये हमारे लाइफ टाइम का अद्भुत अनुभव देती हैं. लेट अस हैव अ लुक ऑफ सॉरी एट सम ऑफ देम. यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही राइड्स के बारे में जानेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अली बाबा. द अली बाबा और मैजिक कारपेट इज अ टाइप ऑफ एम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल गोंडोला विद अ 360 डिग्री स्विमिंग पेंडुलम. अलीबाबा या इसे मैजिक कारपेट भी कहते हैं, ये एक प्रकार की मनोरंजन सवारी है जिसमें एक स्थिर क्षैतिज गोंडोला होता है जिसमें 360 डिग्री स्क्विज पेंडुलम भी होता है. नाउ सेकंड है आपकी बम्पर कार्स. बम्पर कार्स इज द जेनेरिक नेम फॉर अ टाइप ऑफ फ्लैट राइड्स कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल स्मॉल इलेक्ट्रिकली पावर्ड कार्स विच ड्रॉ पावर फ्रॉम द फ्लोर एंड और सेलिंग एंड विच आर टर्न ऑन एंड ऑफ रिमोटली बाय एन ऑपरेटर. दे आर ऑल्सो नोन एज बम्पिंग कार्स एंड डैशिंग कार्स. बम्पर कारें एक प्रकार की फ्लैट सवारी का सामान्य नाम है जिसमें कई छोटी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कारें शामिल होती हैं जो फर्श या छत से इलेक्ट्रिसिटी को खींचती हैं और जो एक ऑपरेटर द्वारा दूर से बंद की जाती हैं. इन्हें बम्पिंग कारें और डैशिंग कारें के नाम से भी जाना जाता है. नाउ थर्ड, कैटरपिलर. इट इज़ अ फास्ट पेस्ड राइड दैट जनरेट अ डिसेंट हेल्पिंग और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कॉजिंग द राइड्स ऑन द इनसाइड ऑफ द सीट्स टू क्रश द राइड्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द सीट. यह एक तेज गति से चलने वाली राइड है जो केंद्र प्रसारक बल की एक मदद से उत्पन्न होकर राइड्स कराती है. नाउ डिस्क ओ. ऑन आवर ट्रेडिशनल डिस्क ओ राइड सिट्स ऑन अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म विद आउटवर्ड फेसिंग सीट्स. यह एक पारंपरिक डिस्क ओवर सवारी है जो भारी सामने वाली सीट के साथ एक सीट्स पर बैठते हैं. ऑन अ स्केटर और अ स्केटर कोस्टर राइड सिट्स ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म विद इनवर्ड्स फेसिंग सीट. इसमें एक स्केटर या एक स्केटर कोस्टर पर एक सवार आयताकार मंच पर बैठते हैं जिसमें वो आमने सामने होते हैं. ऑन अ सर्फ अप राइडर्स स्टैंड ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म. सर्फ अप पर जो राइडर्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं. नाउ एवोल्यूशन. इट कंसिस्ट ऑफ फोर इंक्लाइंड पिलर्स विच सपोर्ट आर रिवॉल्विंग आर्म्स. ऑन वन एंड ऑफ द आर्म आर सम काउंटरवेट एंड ऑन द अदर इज अ रोटिंग हब विच होल्ड्स टेंस कार. इसमें चार झुके हुए खंभे होते हैं जो एक घूमती हुई आर्म्स का सपोर्ट करते हुए घूमते हैं. यह एक छोर से कुछ काउंटेबल और दूसरी ओर एक घूमने वाला हब होता है जिसमें टेंस कार शामिल होती है. नाउ फेरिस व्हील. अ फेरिस व्हील इज अ नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ रोटिंग अपराइट व्हील विद मल्टीपल पैसेंजर्स कैरिंग components attached to the rim in such a way that as wheel turns they are kept upright usually by gravity. Ferris wheel एक गैर निर्माण संरचना है जिसमें कई rides को एक साथ घूमने वाला एक सीधा पहिया होता है जिसमें एक rim लगी होती है और उसमें जुड़े घटकों को इस तरह से ले जाना होता है जिसे पहिया घूमता है उसी तरह सीधा रखा जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण के द्वारा इसमें घूमता है. Now free fall. Riders are loaded into a gondola type car near ground level at the station and secured with over the shoulder harnesses. The gondola is then moved backward horizontally to the rear base of the lift tower and then climbed vertically to the top of the tower in 7.2 seconds. Riders को एक स्टेशन पर ग्राउंड लेवल के पास एक गोंडोला टाइप कार में लोड किया जाता है और शोल्डर हार्नेस के साथ सुरक्षित किया जाता है, शोल्डर पर बांधे जाते हैं. गंडोला की लिफ्ट जो टावर होते हैं उसके पीछे के आधार पर पीछे की ओर वर्टिकुलरी क्षैतिज रूप से लाया जाता है और फिर 7.2 सेकंड में टावर के टॉप पर वो पहुंचता है. नाउ हरिकेन. द राइड स्टार्ट्स ऑफ एट अ स्लो स्पिन प्रोपेलिंग द स्वीप्स
upwards due to both centrifugal force at a pneumatic cylinder housed in the central shaft. The speed is increasing until the cars are almost in the with the top of the tower. सवारी एक धीमी गति स्पिन से शुरू होती है और केंद्र प्रसारक के बल और केंद्र शाफ्ट में रखे गए एक वायवीय सिलेंडर के कारण ऊपर की ओर खींचती है। जब तक कारें लगभग टावर के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाती हैं, तब तक कारों को गति उसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। मॉनिस्टर द राइड स्पिन्स वाइल मूविंग अप एंड डाउन एट अ स्लो पेस। ईच कार स्पिन्स वाइल जॉइंट आर्म्स मूव अप एंड डाउन इन अ सर्कुलर मोशन। राइडर्स मे एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ वेटलेस व्हेन गोइंग इन द एयर एंड कमिंग बैक डाउन टू द ग्राउंड लेवल। धीमी गति से ऊपर से नीचे के चलते समय सवारी जो राइडर्स होते हैं वो प्रत्येक कार के घूमने के साथ घूमते हैं, प्रत्येक कार घूमती है जबकि विशाल भुजाएं गोलाकार गति के में ऊपर और नीचे खुलती हैं, चलती हैं। राइडर्स को अपनी वेटलेसनेस में इस भारहीनता की भावना का अनुभव हो सकता है जब राइडर्स हवा में ऊपर की ओर जाते हैं और वापस जमीन पर आते हैं। नाउ रेनबो द राइड इज रन मैनुअली विद अ जॉयस्टिक। अपेरेंटली सम मॉडल्स वर प्रोग्राम्ड एंड रन फ्रॉम पुश बटन्स। राइडर्स मैनुअल रूप से एक जॉयस्टिक होती है इसके रूप में चलाई जाती है। जाहिर है कि कुछ मॉडल्स को प्रोग्राम किया जाता है और पुश बटन से इसको स्टार्ट किया जाता है। इट कैन मूव इन आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द एबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग और रिवर्सिंग एट एनी पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट। इट वॉज कस्टमरी टू स्टॉप द राइड्स इन इट्स अप मोस्ट पोजिशन एंड वेट अ वाइल देन रिवर्स डायरेक्शन। यह अपनी जो ऑर्बिट है इस में किसी भी बिंदु पर रुकने चलने या पलटने की क्षमता रखता है और यह एक क्लॉकवाइज या काउंटर को अपनी ओर अधिक स्थिति में रोकना और थोड़ी देर वेट करना फिर रिवर्स दिशाओं में बहुत प्रथागत हो जाता है। नाउ रोलर कोस्टर। Most roller coaster have multiple cars in which passengers sit and are restrained. Two or more cars hooked together are called a train. Some roller coasters, note by Wild Mouse roller coasters, run with single cars. अधिकांश roller coasters में कई कारें होती हैं जिसमें कई riders बैठते हैं और संयमित रहते हैं। एक साथ झुकी हुई या दो से अधिक कारों को train कहा जाता है। कुछ roller coaster एकल कारों single car के साथ भी चलते हैं। नाउ टिल्ट अ व्हील। द टिल्ट अ व्हील इज अ प्लेटफॉर्म टाइप राइड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सेवन फ्रीली स्पिनिंग कार्स दैट होल्ड थ्री समटाइम्स फोर राइडर्स ईच विच आर अटैच्ड एट फिक्स्ड पिवोट्स पॉइंटर्स ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। टिल्ट अ व्हील एक प्लेटफॉर्म है, एक प्रकार की राइड है जिसमें सात स्वतंत्र रूप से घूमने वाली कारें होती हैं जो प्रत्येक को तीन कभी कभी चार राइडर्स भी रखती हैं जो एक घूर्णन मंच पर निश्चित दूरी बिंदुओं पर जुड़ी होती हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। कीप प्रैक्टिस ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस एंड राइट डाउन फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू।